बेटा उठो, खुशबू दीक्षा, कम ऑन, गुड मॉर्निंग बच्चे, गुड मॉर्निंग दीक्षा, गुड मॉर्निंग मम्मा। गुड मॉर्निंग। हो चुके हैं रेडी और हम लोग जा रहे हैं। आज मैंने मेहरून सूट पहना है, वैसे मैंने कभी आज तक मेहरून सूट नहीं पहना है और ये मुझे किसी ने गिफ्ट किया है, लाइक वो शादी में देते हैं ना, तो वो उन्होंने बहुत प्यार से दिया था, तो इसीलिए मैंने ये मेहरून सूट पहना है। और यहाँ पर वैसे भी बहुत ज़्यादा चटकते हुए सूट पहनते हैं, तो मुझे लग रहा है कि ठीक ही लग रहा है, पर बाद में आपको मैं पूरा सूट। हम लोग ऑटो रिक्शा में बैठ गए और हम ऑटो रिक्शा में जा रहे हैं। पहले हम कैब बुक कर रहे थे लेकिन हमें ठीक रेट पर ऑटो मिल चुकी थी, तो इसीलिए हम ऑटो में जा रहे हैं। ऑटो रिक्शा वाले ने हमें यहाँ उतार दिया है और ये हमें जो इन्होंने उतारा है वो है भारवंदा ढाबा के नज़दीक, और अभी हम जा रहे हैं जलियांवाला बाग। ये यहाँ पर पार्टीशन म्यूज़ियम भी यहीं पर ही है, जलियांवाला बाग इसे थोड़ा सा आगे है। हेलो मम्मा। सो गाइस, हमें ऑटो रिक्शा वाले ने यहीं पर ही उतार दिया क्योंकि आगे उन लोगों का कुछ चलान वगैरह कटता और अलाउ नहीं है, तो हम लोग यहीं पर ही उतर गए हैं रंग पंजाब के पास, और यहाँ पर फोटोज ले रहे हैं अब ये लोग। ये DSLR में फोटोज खिंचवा रही है, अब मैं भी खिंचवाऊंगी। अब यहाँ पर हो रहा है फोटोशूट। अगर आप लोग भी यहाँ पर फोटोज खिंचवाना चाहोगे तो यहाँ पर फोटो DSLR में 20 रुपीस होगी, तो आप लोग खिंचवा सकते हो। ये है रंग पंजाब किसान ढाबा के पास, आप लोगों को यहाँ पे बहुत सारे भैया मिल जाएंगे जिनके पास आप यहाँ पर फ़ोटोज़ खिंचवा सकते हैं। यहाँ पर मेरी बहन बोल रही है कि इस साइड से लो क्योंकि मेरा ये मोल अच्छा नहीं आता है, साइड में जो इसका दिल है। गाइस मैंने पहना है ये मेहरून सूट, आई डोंट नो कैसा लग रहा है सच्ची में, मुझे ना बहुत अजीब सा लग रहा है, बट मम्मा बोल रही है कि अच्छा लग रहा है। मम्मा का सच्ची ठीक लग रहा है ना? मैं आपको अभी इसकी फ़ोटोज़ भी दिखाऊँगी जब ये फ़ोटोज़ खींचेंगे। अब तो हमारे कैमरे वाले भैया भी आएंगे। ये हो रहा है खुशी और मम्मा का फोटो शूट। गाइस ये वो वाली जुतियां हैं जो मैंने वहां से ली थी और मैंने आपको दिखाई थी। ये है यहाँ की एंट्रेंस, दिस इज जलियांवाला बाग स्मारक। मैं यहाँ पर आई थी लेकिन बहुत पहले आए थे। मम्मा कौन से ईयर में आए थे हम यहाँ पे? हम हमारे कजन्स के साथ आए थे। हाँ हम अपने कजन्स मासी मौसा के साथ आए थे 5 साल पहले। 5 साल किसने डांटा था? अपने मौसा जी से बहुत ज़्यादा डरते थे, अभी भी डरते, ऐसी बात नहीं है, बट नाउ ही सो मच फ्रेंड विद अस। मेरी मम्मा चाहते हैं कि मैं आप लोगों को एक एक चीज दिखाऊं, यहाँ का एक कोना भी ना छोड़ू। देखो मम्मी का कहने का मतलब है कि जब यहाँ आए हैं तो जरूर दिखाओ हर एक चीज। मुझे ये पिलर अभी तक याद है क्या ये वैसे? उस टाइम गाइस मैं बहुत छोटी होती थी और मुझे पता नहीं, बट मुझे ये ज़रूर याद है कि यहाँ पे बुलेट्स के निशान हैं। आता तो अपने हिस्ट्री में भी पढ़ा है जलियांवाला बाग के बारे में। सो गाइस यहाँ पर लोटस के प्लांट होते हैं, देखो यहाँ पर ये दिख भी रहे हैं, हो भी रहे हैं। सो गाइज दीज आर द बुलेट मार्क्स एंड द हिस्ट्री बिहाइंड इज दिस दैट द बुलेट मार्क्स इन जलियांवाला बाग आर अ रिमाइंडर ऑफ ट्रेजिक इंसिडेंट दैट टुक प्लेस ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल इन इंडिया। इन 1990 ब्रिटिश ट्रूप्स फायर्ड ऑन अ पीसफुल गैदरिंग ऑफ इंडियंस रिजल्टिंग इन द लॉस ऑफ मैनी इनोसेंट लाइव्स।
As you can see that this wall has its own historic significance as it has 36 bullets marks which were fired by the order of General Dyer without any warning to the crowd who had gathered here to protect against the Rowlatt Act. So I hope कि आप लोगों को Rowlatt Act के बारे में भी पता होगा and these were the marks ठीक है यहाँ पर जो कि मैंने आपको दिखा दिया है. ये पता नहीं किस चीज़ का पेड़ है बट है बड़ा सुंदर. कुछ फ्रूट्स लग रहे हैं मुझे तो इसमें. क्या बोल रही है? गाइड बन जाओ, एक्सप्लेन करते रहो थिंग्स पढ़ पढ़ के और पैसे कमा लो. अब एक टूर गाइड था. अच्छा. वो कुछ भी स्टोरी सुना रहा होगा फॉरेस्ट को क्या ही पता होगा. हाँ. नहीं नहीं इतना भी नहीं होता. अब तो सभी हिस्ट्री के बारे में पढ़ते हैं. अब तो 6-7 से ही मम्मा यहाँ फोटो के लिए भी खड़े हो गए तो गाइज इनके एक फ़ोटो ले लेती हूँ. मैं ऐसी ले लेती हूँ इस तरह से. सो गाइज अब हम देखने जा रहे हैं शहीद कुआँ जो कि शहीद वेल है. सो गाइज हम लोग वेल के पास आ गए हैं. पहले तो यहाँ शायद जंगले होते थे मम्मा मुझे जितना याद है. जब हम 5 साल पहले आए थे ना यहाँ पर जंगले होते थे फिर देख सकते थे. और अब तो यहाँ पर शीशे लगा दिए क्योंकि लोग अंदर पैसे वगैरह फेंकते हैं ना जो कि अलाउ नहीं है. सो कोई भी यहाँ पैसे वूसे ना फेंके. अब तो ये क्लोज कर दिया. कोई सोर्स ही नहीं है कहीं से फेंकने का. और फेंकने भी क्यों है? आई डोंट थिंक कोई लॉजिक है रुपीस फेंकने का. हाँ यहाँ पर जंगले होते थे जब मुझे याद है जितना. हाँ तो बहुत गहरा है मुझे नहीं पता ये अंधा रहे मम्मा. Let the process of court-martial begin. Space expansion was sufficient to allow the armored cars to go in. Would you open fire at Kushida? I think. वो 13 अप्रैल की रात हिस्ट्री मुझे पता है. तेरे पास हिस्ट्री नहीं है ना इसलिए तुझे पता नहीं है. जब तू पढ़ेगी ना हमारी हिस्ट्री सच में रोना आ जाता है. गैलरी 2 हॉल. मम्मा गैलरी हॉल 1 में चलो पहले. ये हॉल 1 है. एन इंडियन वुड बी अरेस्टेड. ये उसमें था ये रॉलेट एक्ट में था कि किसी को भी क्या करते थे ये लोग इंडियंस अरेस्ट कर देते थे बिना किसी रीज़न के. इस शक्ति के ऊपर जो रिश्ते गोलियां चलाते होंगे यहां तक आपको फिर हम और अति फिर को तो गाइस हम दोनों हॉल को देखकर आ गए हैं. यहाँ से तो एंट्रिंग हुई थी.
सो गाइस ये थी वो एंट्रिंग जहाँ से हम गए थे और हम वहाँ से होते हुए आए थे, वहाँ से होते हुए यहाँ ये है एग्जिट होने का रास्ता। सब हम यहाँ से जा रहे हैं क्योंकि हमने पूरा डिसाइड किया था कि हम 11 o'clock तक यहाँ से निकल जाएंगे, क्योंकि अगर हम एक ही जगह में इतना ज़्यादा टाइम लगाएंगे तो हम बाकी चीज़ों को कवर नहीं कर पाएंगे। बट 11 बजने वाले हैं। ये कहाँ जा रहे हो? अच्छा ये रह गया। सो अब हम जा रहे हैं गैलरी 4। मुझे लगा एग्जिट कर रहे हैं कि अब सब कुछ ओवर हो गया है। वैसे मैं पंजाब की मिट्टी से राष्ट्रवाद के प्रतीक देश, खासतौर पर नौजवान उनके साथ हाथ खड़े हुए। इन नौजवानों पर राजदूत के विभिन्न मुकदमों सहित लाखा पैदा लेने के लिए की गई सॉन्डर्स की हत्या का मुकदमा भी चला। शहीद उधम सिंह Ashish of Shaheed Udham Singh brought to India on 19 July 1974 में, इसमें उनके यार। सो गाइज यहाँ पर आने से पहले शूज़ को उतारा जाता है। यह है अमर ज्योति। गाइज अब हो रहे हैं हम यहाँ से एग्जिट। सो गाइज आने वाला गेट जो था वो दूसरा है और जाने का दूसरा है। जैसे ही आप लोग जलियांवाला बाग से आएंगे आपको बाहर भी मार्केट देखने को मिलेगी। लस्सी रबड़ी मैडम, मिल्क बादाम। सब हम खाएंगे गोलगप्पे। गोलगप्पे का आनंद लेते हुए वेट खाते हुए अच्छी थी। आपको यहाँ पर वो मिल जाएंगे। ये सूची के चलते हम लोग जा रहे हैं अब दुर्गानी माता मंदिर। सो हम पहुंच गए हैं श्री दुर्गानी तीर्थ मंदिर। हाँ तीर्थ। सो हम लोग पहुँच गए दुर्गानी मंदिर। ये इसका मेन गेट है और यहीं से ही बाहर भी आ सकते हैं, मीन्स एग्जिट। सो ये भैया बोल रहे हैं कि आप लोग शिमला से हो क्या? मतलब इन्हें पता भी लग गया कि हम लोग शिमला से हैं। लो शायद हमारे में वो वैसा लुक आ जाता है इन लोगों को कि हम हिमाचली है, बट इन्होंने तो पूरा बता दिया कि हम कहाँ से हैं। और ये था वहाँ का मेन गेट जहाँ से एंटर करना है और एग्जिट भी वहीं से ही होगा। धर्म द्वार वैराग्य द्वार, धर्म द्वार ज्ञान द्वार वैराग्य द्वार ऐश्वर्य द्वार श्रद्धा द्वार। गाइस मेरी हिंदी इतनी अच्छी नहीं है पर तब भी वरुण द्वार कुबेर द्वार। अगर गाइस मेरी फ्रेंड्स होती ना इस वक्त तो उन लोगों ने ना इतना ज़ोर ज़ोर के हंसना था मुझ पर, क्योंकि हम लोगों का 5 फ्रेंड सर्कल है, मतलब 5 का फ्रेंड सर्कल है जो मैंने आपको व्लॉग में दिखाया भी होगा। उन लोगों को हिंदी बिल्कुल पसंद नहीं है तो वो लोग ज़रूर हंसने थे। उन्होंने कहना था मुझे कि बस बस मत ही पढ़ तो ज़्यादा बेटर है। ये पहुँच गया हम जोड़ा घर जहाँ पर हम अपने जूते खोलेंगे।
खोल दो। और अब हमने अपने शूज वगैरह जूतियाँ वगैरह खोल दिए, अब हम जाएंगे मंदिर। अशोक वाटिका, प्राचीन श्री शिव गंगा मंदिर। ट्वेंटी सेवन नक्षत्र के पेड़, अभी मैं पढ़ तो नहीं सकती बट मैं आपको दिखा जरूर सकती हूँ, क्योंकि इतना टाइम नहीं है कि मैं अभी एक एक पेड़ पढ़ूँ। तो अगर आप लोगों को पढ़ना होगा तो आप वीडियो स्टॉप करके भी पढ़ सकते हैं। अब मुझे ये नहीं पता अंदर वीडियो अलाउ है कि नहीं है, आई थिंक नहीं होगी, नहीं अभी तक तो कोई पंडित नहीं है वैसे, इसलिए मुझे लगता है कि यहाँ वीडियो अलाउ है। ये हमारी नंदी जी, ये है मेरे भोलेनाथ। सो हम जा रहे हैं भैरवनाथ मंदिर। अब पहले हम शिव जी के मंदिर गए क्योंकि जूतागढ़ से साइड को रास्ता था शिव जी के मंदिर के लिए, तो हम पहले शिव जी के मंदिर गए, अब जा रहे हैं भैरवनाथ जी के पास, मतलब भैरवनाथ जी का मंदिर। वाओ वाओ, जय हो शिव जी, हमारी नंदी जी। ये है नाग देवता, ये मेरे भोलेनाथ। ये बाबा जी डॉगी, वाओ दिखो देखो कितना अच्छा, ओए मेरा बच्चा, ओए मेरा बच्चा, जय हो भगवान जी, ओए मेरा बच्चा, जय हो, ये देखो डॉगी अंदर बैठा है, जय हो भगवान। वाओ ये कहाँ से, अच्छा मैंने तो ये देखा ही नहीं, मम्मा डर लग रहा है। सो गाइस ये देखो, जय हो, वाओ ये अब नंदी जी की, ये बहन का ही है, जय हो, वाओ देखो अंदर को, देखो क्या है, कौन सा मंदिर है, क्या है अंदर, इतना डर लग रहा है मुझे तो, जय हो मेरे भगवान, जय हो। दुर्गा माँ का मंदिर है अंदर, गुफा वैष्णो गुफा ना भाई, से वहाँ से एंट्रिंग थी और ये है बाहर। ये दीक्षा दी वहाँ, वहाँ पहुँचना चाहिए ऐसा बोलते हैं, हाँ कॉइन वहाँ फेंकते हैं, तो गाइस यहाँ पे कॉइन फेंकते हैं जो कि भोलेनाथ के पास अगर पहुँच गया तो मन्नत पूरी होती है। वाह नहीं गया, मेरे को भी चाहिए, देख खुशू दीक्षु पानी पवित्र पानी दे मेरे को, श्री बड़ा हनुमान मंदिर, प्राचीन हनुमान मंदिर है और ये यहाँ की एंट्रेंस है। ज्वाला जी के लिए भी आई थिंक ऐसी एंट्रेंस है, बट वो थोड़ा वहाँ पर सड़क है, यहाँ पर मार्बल लगी है, हेल्प सीमेंट।